Amazing. कम्युनिकेशन के ऊपर एक ऐसी चीज जो कि मेरी खुद की बहुत वीक रही है पूरे जीवन भर, स्पेशली जब तक स्कूल के अंदर थे, कॉलेज में आके थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया, पर ये सेशन जो है ये कम्युनिकेशन के ऊपर नहीं रखेंगे। सबसे पहले तो थोड़ा एनर्जी लेवल चेक कर लेते हैं डीटीयू का, कर ले। अरे आया ना, तो हम यहाँ पे ज्यादा नहीं होंगे, 400-500 बच्चे होंगे। अब रिकॉर्ड जो सेट हुए हैं वो 2500-3000 बच्चों ने किया, पर फिर भी चेक कर लेते हैं कि डीटीयू, एनएसआईटी और ट्रिपल आईटी दिल्ली, इन तीनों में क्या पहली रैंक होल्ड कर पाओगे एनर्जी के अंदर? करें पक्का। तो एक सिंपल सी एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज ये है कि अपन 1 से 10 तक काउंट करेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, और जैसे जैसे हम 10 तक बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारी वॉल्यूम बढ़ती जाएगी, और 10 पे हमें पागल हो जाना है, मतलब नीचे की सीटें उखाड़ के फेंक देनी है उस लेवल का। अभी यहाँ पे सीटें फिक्स है कैसी है, मैं अभी एक पिछले कॉलेज में गया VIT, वहां पे मैं हमेशा यही बोलता हूँ सीटें उखाड़ के फेंक देना, वो सीरियस ले गए, उनकी प्लास्टिक वाली कुर्सियां थी उन्होंने सीटें उखाड़ ली, मैंने कहा नहीं यार नीचे रख दो, पर भावना आप समझ गए हो। तो स्टार्ट करें पक्का। 4 साल पहले DTU के अंदर आए थे, उस टाइम आपका बाहर वाला ऑडिटोरियम था, 12-1 बजे बच रखे थे और करीबन हमने 3 घंटे का सेशन लिया था, मैं और बच्चे दोनों थक गए थे। आज भी कुछ वैसा सही करेंगे, 3 घंटे नहीं थकाएंगे, 1-1.5 घंटा 2 घंटा जितना हमारा जब तक आपकी क्वेरी चलती है। कहाँ से शुरू करें, सारी वो बेसिक कहानियां
किसी के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है आपका? मयम। ऐसी बोल भाई, जोश। मेरे को यार इस बात की बहुत खुशी है कि 101st जो है वो DTU में हो रहा है। अब तो मैं अभी देख के आया, आपके तो नए हॉस्टल और बन गए, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग 12 स्टोरी की। ये कह रहे गर्ल्स हॉस्टल भी बना है। एंट्री नहीं है। बॉयज कितने हैं यहाँ पे? दो, तीन, चार, बस इतने ही। अच्छा और भी है। मैं एक कॉलेज में गया, मैंने वहां पे ऐसे करा, सारे बच्चे स्टार्ट हो गए, सारे सबोले बन गए। तो शुरुआत करते हैं सर्वे के। करीबन 3-4 साल पहले मेरा एक सेमिनार हुआ था IGDTW में, तो लग रहा है फ्रेशर से बात हो रही है। तो मैं सोचा यार ये ऑल गर्ल्स कॉलेज है, इसके लिए कुछ अलग प्रिपेयर करना पड़ेगा, नॉर्मल चीजें नहीं बता सकते, क्योंकि मैं नॉर्मल अपने कॉलेज की बात करता था, हॉस्टल की बात करता था, मैंने कहा वो बॉयज हॉस्टल की बात है तो कुछ अलग से प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। यूजुअली कुछ प्रिपेयर नहीं करते उस कॉलेज के लिए किया, तो ऐसे ही ढूंढने लगे। तो मेरे एक चीज़ सामने आई कि एक बहुत बड़ा इशू जिसके बारे में काफ़ी लोग बात करते हैं कि वुमेन जो हैं वो अपने जब करियर के अंदर काम कर रही होती हैं तो वो सारे के सारे डोमेन्स में कुछ ऐसे डोमेन्स भी हो जाते हैं जहाँ पर वो मैन जितना अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे। तो उसके ऊपर एक बहुत बढ़िया एक आर्टिकल लिखा था, कई साल पहले पढ़ा था, और उसकी आखिरी में एक बड़ा रीज़न ये बता रखा था कि यार वो हाथ खड़ा नहीं कर रहे। अब ये बड़ा फनी सा लगता है कि भाई हाथ खड़ा नहीं करते मतलब, तो उसका ये था कि यार जब आप जॉब करना स्टार्ट करते हो, वुमेन की लाइफ में एक ऐसा 1-2 साल का फेज आता है जब वो प्रेगनेंसी फेज होता है, और उस दौरान मान लो कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि भाई बॉस आते हो कहते हैं एक नया प्रोजेक्ट है इसके ऊपर काम करना है, तो जो लड़का होगा वो तो क्या होगा एकदम से हाथ खड़ा करेगा कि हाँ हाँ मैं कर ले रहा हूँ। पर उस 1-2 साल के दौरान जो लड़की होती है वो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती। वो पॉइंट बी हम वहां से जो मैसेज, ये मन दुखी करेगा, पॉइंट बी कि लाइफ में जब भी हाथ खड़ा करने का मौका मिले वहां शर्माना नहीं है। जैसे अपन 7th-8th क्लास में होते थे बड़े शर्माते थे यार ये मैथ्स का डाउट है ये पूछूंगा तो बगल का राहुल और साइड की नेहा क्या सोचेंगे, आज के दिन याद भी नहीं है कि बगल में बैठा कौन था, ना उनको याद है कि किसने क्लास में पूछा था। पॉइंट बी आज जो आप पूछोगे आज से 4 साल बाद किसी को याद भी नहीं रहना, पर आपका अंदर का फियर हट जाएगा, और आज जिस लेवल का आपने बोल लिया तो अगली बार आप शर्माओगे नहीं। हमेशा मौके ढूंढो कब स्टेज पर आने का मौका मिल जाए, कब कुछ बोलने का मौका मिल जाए, और वही आपकी सोसाइटी भी शायद आज कम्युनिकेशन के ऊपर ही है। तो क्या था ये ये सिर्फ चीज था पर मैं हुई थी वहाँ सारे मेंटर बन गए थे ऐसे ग्राम सारे के सारे। यूजुअली हम क्या करते हैं, मैं सेमिनार में ये ऐसे स्टार्ट करते हैं कि आज से 5-6 साल पहले मेरा फ्रेश ईयर कैसे था, उधर से मैं 1.5-2 घंटे पकाता हूँ, पर वो स्टोरी इतनी बार बोल दी कि आज मैं चाह रहा हूँ कुछ अलग हो। किसी और बच्चे का कोई क्वेरी हो, कोई हाथ खड़ा करना चाहता हो, कोई लड़की कोई हाथ खड़ा करना चाहती हो, इस भाई ने हाथ खड़ा करके फिर नीचे खेल लिया। गर्ल्स में कोई है? अरे शर्माना नहीं है, अरे वेरी गुड, तालियां। देखो कितने सपोर्टिव बैचमेट हैं आपके सब साथ।
कोई नहीं, जोर से बोलो जय राम माता। अरे यार आपका बैचमेट है।